हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग होस्टिंग इक्विपमेंट पढ़ते हैं। आपको ये समझना है कि होस्टिंग इक्विपमेंट है क्या, है ना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि होस्टिंग का मतलब क्या होता है, है ना। इसका मतलब है कि जैसे कोई आपका सामान है ना, कोई मटेरियल है, ठीक है, और उस मटेरियल को क्या करना है कि हमको उठा करके कहीं पे रखना है। ये आपका मटेरियल है, ठीक है। तो इसको पहले हमने उठाया, ठीक है, फिर क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, और जहाँ रिक्वायर्ड जगह थी उस पर हमने ले जा करके रखा। ये हो गया आपका होस्टिंग। होस्टिंग इक्विपमेंट कहने का मतलब है कि एक ऐसा इक्विपमेंट जो एक मटेरियल को वर्टिकल डायरेक्शन में उठाता है, हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोर्ट करता है, और फिर उसको ले जा कर रख देता है। होस्टिंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो तीनों डायरेक्शन में काम करते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में वो किसी मटेरियल को उठा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं होस्टिंग इक्विपमेंट, वो हैवी सामान को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका कोई कंक्रीट का ब्लॉक हो गया, उसको उठाना है, या फिर हैवी मशीन है उसको उठाना है, ऐसे ऐसे चीज़ों को उठाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि होस्टिंग इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट, है ना, दे आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ होस्टिंग इक्विपमेंट। आपका उसमें से फर्स्ट है टावर क्रेन। टावर कहने का मतलब सीधा आप समझ रहे हैं कि एक वर्टिकली राइज होगी और बहुत ज़्यादा राइज होगी, है ना। इसका यूज किस में किया जाता है, हाई राइज बिल्डिंग में, ठीक है। इस टावर क्रेन का काम क्या है कि किसी सामान को नीचे से लिफ्ट करना, ठीक है, फिर उसको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ उसकी ज़रूरत है अप्रोप्रिएट प्लेस पे मटेरियल को रख देना, या फिर उसको डंप बोल सकते हैं, वहाँ पे रखना उसका, यही काम होता है क्रेन का। हम लोग देख सकते हैं कि देखेंगे हम लोग कि कितने टाइप्स के टावर क्रेन होते हैं। देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ टावर क्रेन, है ना। फर्स्ट है आपका सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन। टावर क्रेन तो है ही, लेकिन कैसा है, सेल्फ सपोर्टेड है और स्टैटिक है। सेल्फ सपोर्टेड कहने का मतलब है कि किसी एक फाउंडेशन पे उसको रख दिया गया है, सेल्फ सपोर्टेड है ये, है ना। इसको कोई अदर मटेरियल बाहर से इसको सपोर्ट, एक टावर है, है ना, एक टावर है आपका, ये कोई टावर है, ये खड़ी है, तो इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, ये खुद के बदौलत खड़ी है, सेल्फ सपोर्टिंग, है ना। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एक फाउंडेशन बना हुआ है और वहाँ पे ये खड़ी है, रुकी हुई है, मतलब एक जगह पे अपने बदौलत खड़ी हुई है। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन हुआ। इसका हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये है आपका डायग्राम, ठीक है। एक्चुअली ये नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं। ये अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टावर है, ये आपका टावर हुआ, है ना, ये आपका टावर है, ठीक है, और ये इसका फाउंडेशन है, ठीक है। इसको टावर भी बोलते हैं या फिर मास्ट बोलते हैं, आगे हम लोग मास्ट का यूज करेंगे, या फिर मास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका टावर है, और इधर देख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, यहाँ देख सकते हैं ये टावर है आपका,
और यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है आपका ऑपरेशन केबिन है। यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठता है और इस क्रेन को ऑपरेट करता है। यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट केबिन बना हुआ होता है जहाँ पे ऑपरेटर बैठ के काम करता है। ये देखिए स्लेविंग रिंग है, स्लेविंग स्लेविंग रिंग है ना, जहाँ से ये टावर, ये जो देख रहे हैं वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है एक्चुअली, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये स्लेविंग करता है, मतलब रोटेट करता है ना। ये आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल रोटेट करता है, यहाँ से रोटेट करने का फंक्शन होता है। ठीक है, इधर देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये है ना, हैवी कंक्रीट ब्लॉक बना हुआ है। हैवी कंक्रीट ब्लॉक इसलिए बना हुआ है कि जब यहाँ पे इधर आ सकते हैं, हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। ये इसको इस तरफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आप देखिए जब ये यहाँ पे सामान लिफ्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे सामान को लेकर के ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, तो ये कंक्रीट ब्लॉक है जो इधर आपका, वही बैलेंस करता है इसको, है ना। आप ये देख सकते हैं ये रोप लगा हुआ है, ठीक है, जो इस बूम को, ये आपका बूम है ना, इसको बैलेंस करता है। इसको हम लोग जिप भी बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जिप होल्डिंग रोप, कहीं कहीं पे जिप लिखा रहेगा तो आपको समझना है। ये आपका हो गया मास्ट हो गया, ठीक है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इधर आपका कंक्रीट ब्लॉक होता है इस तरफ, और इधर होता है आपका, ये है आपका बूम, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन केबिन होता है, यहाँ पे स्लेविंग रिंग होता है जिसके जरिए ये रोटेट करता है, ठीक है ना। तो ये तीन चार चीज़ें हैं मुख्य रूप से, आपको जब डायग्राम आप करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको ये फाउंडेशन दिखाना पड़ेगा, ये टावर बनाना पड़ेगा, ये सुपर स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ेगा, ये बूम दिखाना पड़ेगा, ये रोप है ना, ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि ये जो रोप है, एक इधर कनेक्टेड है, एक इधर कनेक्टेड है, एक जिप इधर भी होता है ना। इससे ये देखिए हुक लगा हुआ है, ये हुक जब भी मटेरियल को लिफ्ट करता है, ये आपका मटेरियल है, इसको लेकर के इस तरफ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना, और इस तरफ भी जा सकता है। तो मतलब ये रोप के जरिए ये हुक हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, ठीक है, तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग आते हैं, अब आगे देख सकते हैं कि आगे आपका कौन सा है। आगे है स्टैटिक सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन। स्टैटिक टावर सपोर्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं, सपोर्टेड कहने का मतलब है कि जो आपका टावर क्रेन है वो सपोर्टेड है, मतलब क्रेन को कोई ना कोई सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, और स्टैटिक है, एक जगह पे रुका हुआ है। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये आपका टावर है, ठीक है। 1 मिनट, हम लोग इसको एक बार फिर से बड़ा करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये टावर है आपका, ठीक है, और इस टावर को सपोर्ट दिया गया है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इससे इसको सपोर्ट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सपोर्टेड है और स्टैटिक है, यहाँ पे फाउंडेशन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फाउंडेशन बन के इसको स्टैटिक किया गया है, और ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिससे सपोर्टेड किया गया है, बाकी सारा फंक्शन एज इट इज पहले वाले की तरह है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड है आपका ट्रैवलिंग टावर क्रेन। ट्रैवलिंग टावर क्रेन का मतलब है कि एक क्रेन है जो ट्रैवल कर रही है ना, ट्रैवल कर रही है, किस पे ट्रैवल कर रही है, तो वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेन है
वो ट्रैवल कर रही है रेलवे ट्रैक पे विद द हेल्प ऑफ पावर बोगीज। बोगीज बना होता है और बोगीज पे ट्रैवलिंग क्रेन होता है। बोगीज ट्रैवलिंग क्रेन को लेके रेलवे ट्रैक पे मूव करती है ना। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका, ये डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं ये आपका, ये ट्रैक, ये क्रेन है आपका, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना। इस पे ये मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन मिनट, थोड़ा सा डायग्राम दिखाने में दिक्कत हो रहा है। ये आपका पावर बोगीज है, यहाँ पे ट्रेन, ये जो क्रेन है इस पे, ये रेलवे ट्रैक पे रखी हुई होती है, जहाँ से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्लाइंबिंग टावर क्रेन। क्लाइंबिंग टावर क्रेन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हाई राइज होती है ना, टॉल बिल्डिंग के अंदर हम लोग क्लाइंबिंग टावर क्रेन का यूज़ करते हैं। और ये बनाया कहाँ पे जाता है, ये क्लाइंबिंग टावर क्रेन जो है वो कहाँ पे बना होता है, ये देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, इस तरफ भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसके बीच में क्लाइंबिंग टावर क्रेन बनाया जाता है। और इस टावर के माध्यम से हम लोग इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और ये टावर जो है, इसको हम लोग अपने इच्छा, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसको क्लाइंब भी कर सकते हैं, मतलब अप कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ी तो इसको डाउन भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका क्लाइंबिंग टावर क्रेन नाम है। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, डायग्राम आपको एटलीस्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे है उसको लिखना पड़ेगा, इतना मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे है आपका मोबाइल टावर क्रेन। एक था आपका टावर क्रेन फर्स्ट, सेकेंड है मोबाइल टावर क्रेन। मोबाइल टावर क्रेन कहने का मतलब है कि जो आपका टावर है वो मूव कर रही है, वो रखी जो क्रेन है बिल्कुल मूव कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है। तो मोबाइल टावर क्रेन में आपका फर्स्ट है ट्रक माउंटेड टावर क्रेन। ट्रक माउंटेड मतलब, कहने का मतलब जो क्रेन आपका बना हुआ है वो किस पे रखा हुआ है, ट्रक या लोरी पे रखा हुआ है। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग और लो राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, मतलब जहाँ पे लो राइज बिल्डिंग होती है उसमें इस टावर का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ डायग्राम, इसमें कैसे ट्रक पे क्रेन को सेट किया गया है, एक बार देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्रेन इंजन, ये यहाँ पे आपका क्रेन इंजन है, ये ड्राइविंग केबिन है ना, ड्राइविंग केबिन जहाँ से ऑपरेट किया जाता है क्रेन को, ये आपका बूम है, ठीक है। ये आपका रोप्स लगा हुआ है जिसको जीप भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ से ये जो ड्राइव केबिन है ये ट्रक को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो ड्राइव केबिन है वो ट्रक को ड्राइव केबिन के लिए, ट्रक को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल केबिन है एक, ये क्रेन को कंट्रोल किया जाता है, क्रेन को मूवमेंट देने के लिए इस केबिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हैं। आगे है आपका मोबाइल क्रेन में मास्ट क्रेन। मास्ट कहने का मतलब क्या है कि ये भी, ये जो क्रेन है मास्ट क्रेन ये भी माउंटेड होता है लोरी और ट्रक पे। मास्ट क्रेन में क्या फैसिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। मास्ट क्रेन, ये आपका मास्ट क्रेन है, थोड़ा डायग्राम पूरा ले लेते हैं। ये आपका मास्ट क्रेन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल मेंबर है। और यहाँ पे ये जो मास्ट है, वर्टिकल मेंबर को हम लोग मास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जीप लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका बूम
है ना। तो यहाँ से मास्ट से हम लोग इसको रोप के जरिए या जीप के जरिए इसको वर्टिकली राइज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये आपका राइज किया हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोग केबिन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से इसको ऑपरेट करके इसको राइज कर सकते हैं, इसको डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे है आपका मास्ट क्रेन के बाद गैंट्री क्रेन। गैंट्री क्रेन का यूज बहुत ही हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रस है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रस बना हुआ है जो एक बहुत ही हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मैक्सिमम यूज फैक्ट्री या वर्कशॉप में होता है। आप लोग देख सकते हैं गैंट्री टावर, गैंट्री क्रेन किस तरह का होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये डायग्राम प्रॉपर आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये आपका क्रेन है, गैंट्री क्रेन है, ये गैंट्री है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक ना। ये रेलवे ट्रैक पे रखी हुई होती है ना, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, समझ रहे हैं आप। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गैंट्री क्रेन, ये बिल्कुल रेलवे ट्रैक पे रखी होती है, ये मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हैवी मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है वर्टिकली, ठीक ना। यहाँ से उठा करके मटेरियल को यहाँ से उठाते हैं, इसके लिफ्ट करने के बाद हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, चाहे हमको फॉरवर्ड जाना होगा या फिर बैकवर्ड जाना होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है डेरिक क्रेन। डेरिक क्रेन क्या है कि जैसे जो भी हैवी मटेरियल है ना, उसको उठाने के लिए हम लोग डेरिक क्रेन का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्लेस्ड होता है, एक फाउंडेशन पे बना होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ सपोर्टिंग टावर जिसको हम लोग मास्ट भी बोलते हैं, और दूसरा बूम होता है। डायग्राम में देखेंगे कैसे होता है, डायग्राम पूरा लेते हैं पहले। ये आपका डायग्राम आ गया, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्रेन है एक सरफेस पे सपोर्टेड है, ये वर्टिकली मेंबर है, यहाँ से रोप लगा हुआ है गाय रोप, ये आपका बूम है, ठीक ना, और यहाँ से हुक लगी हुई है। इसको ये जो रोप है इसको इस तरफ मूव करके इस बूम को डाउनवर्ड किया जाता है, या फिर इसको इस तरफ मूव करके इस बूम को अपवर्ड किया जाता है। तो ये इस तरह से इसका फंक्शन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये आपका, ये था आपका गाय डेरिक, ये भी एक प्रकार का क्रेन ही है। नेक्स्ट है आपका स्कॉच डेरिक। स्कॉच डेरिक क्रेन क्या है, ये भी आपका फाउंडेशन पे रखा जाता है। इसमें जो वर्टिकल मेंबर है वो शॉर्ट होता है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि वर्टिकल मेंबर आपका शॉर्ट होता है, और ये स्वेलिंग कर सकता है, मूव कर सकता है 270 डिग्री पे। आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका डायग्राम क्या है, वन मिनट, डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पूरा लेते हैं। ये जो डायग्राम है आपका, ये आपका वर्टिकल मेंबर है, ठीक है ना, ये काफ़ी छोटा होता है, और ये देखिए ये आपका बूम है, ठीक ना, ये दो बूम है इसके साथ लगा हुआ, और यहाँ से देखिए ये हुक है, ये रोप है, ठीक ना। यहाँ से ये देख सकते हैं, ये आपका लगता है, यहाँ पे स्वेलिंग रिंग है जिसके माध्यम से ये 270 डिग्री पे घूमता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से हम लोग लिफ्ट करते हैं, ये हुक लगा हुआ है। यहाँ पे एक मेनली डिफरेंस क्या है कि ये जो मास्ट है वो काफ़ी छोटा होता है, और इसको जब सामान को फंसाया जाता है तो फिर यहाँ से इसको राइज किया जाता है, ठीक है। आगे है आपका, आगे आ जाइए, क्राउलर क्रेन। क्राउलर क्रेन कुछ नहीं है,
इसमें एक क्राउलर क्रेन में क्या होता है कि एक बेस फ्रेम होता है आपका, सुपर स्ट्रक्चर और बूम होता है ना। हम लोग देख सकते हैं डायग्राम इसका। डायग्राम में क्या है, ये देखिए ये डायग्राम, ठीक है डायग्राम पूरा आने देते हैं। ये इस तरह का डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से क्राउलर लगा हुआ है, ये बूम है आपका, ये जीप है, यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये आपका हुक नज़र आ रहा है ना। अब ये जो क्राउलर है वो किसी भी रफ सरफेस पे राइज कर सकता है, क्लाइम कर सकता है। इसका यही उपयोग है कि कहीं भी किसी भी रफ रफ सरफेस पे जाके इसको लगाया जा सकता है, वहाँ से इसको ऑपरेट करके किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का आपका होस्टिंग इक्विपमेंट था। बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंस हैं सब में। चार तरह के आपके, पहला था टावर क्रेन, फोर टाइप्स के आपके क्रेन हैं। पहला था आपका टावर क्रेन, दूसरा है आपका टावर क्रेन के बाद क्या था आपका, मोबाइल क्रेन, मोबाइल क्रेन के बाद आपका था डेरिक डेरिक क्रेन, और उसके बाद है आपका क्राउलर क्रेन, है ना। तो ये देख सकते हैं, ये टोटल चार टाइप के क्रेन हैं। आप इनको पढ़ें और वीडियो को देखें। थैंक यू।